आलू गोभी की सब्ज़ी हम हमेशा ही घर पर बनाते हैं, बट आज की जो ये रेसिपी है ना, ये बहुत ही अलग है। इसको मैंने बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल वाली लेकिन अपने तरीके से बनाया है, बहुत ही टेस्टी चटपटी बन के तैयार होती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। आज की सब्ज़ी को हम सरसों के तेल में पकाएंगे और इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। सरसों का तेल अगर आपको सूट ना हो तो आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। 3 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करने रख दिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम आलू लिया है और 1 छोटे साइज़ का फूल गोभी। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके अच्छे से धो लिया है। तेल गर्म होते ही हम सबसे पहले आलू गोभी को फ्राई करेंगे। गोभी आलू को फ्राई करते करते हम कुछ और भी स्टेप्स करेंगे जो आगे मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इसको लगभग 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। बढ़िया लाल लाल तरीके से हमें गोभी आलू को फ्राई करना है, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट और फ्लेवर ऐड होता है। तो देखो मैंने काफ़ी फ्राई कर लिया है लेकिन थोड़ा सा और फ्राई होगा, तो तब तक मैं आपको बता देती हूँ अगला काम हमें क्या करना है। यहाँ मैंने लिया है एक स्कीवर, इसमें मैं ये टमाटर के छोटे छोटे पीसेस डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं टमाटर को मैंने कैसे कट किया है, बस ऐसे कट करना है और स्कीवर में हमें डाल लेना है। यहाँ पर मैंने स्कीवर में टमाटर के साथ साथ कुछ और भी सब्जियां ली है जो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे गोभी आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसको निकाल लेना है। पैन पर छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएंगे, तो इसको प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब मैंने गैस जला लिया है, यहाँ पर हम टमाटर को रोस्ट करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। मैंने कुछ भी इसमें लगाया नहीं है, जस्ट टमाटर कट किया, स्कीवर में डाल के हमें इसको रोस्ट कर लेना है। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने प्याज भी इस तरीके से कट किया है, इसको भी 2 से 3 मिनट हम रोस्ट कर लेंगे। प्याज के साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, इसको भी ऐसे ही कट करके स्कीवर में डाल के हमें 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेना है। सब्जियों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ना तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा अंगार वाला फ्लेवर आता है जो कि हमारी सब्ज़ी में टेस्ट एनहांस करता है। तो यहाँ पे सब्जियों को रोस्ट करके प्लेट में मैंने निकाल लिया, इसको रख देंगे साइड में और चलेंगे अगले प्रोसेस में। कढ़ाई, मैं वही वाला कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, इसमें 2 चम्मच मैंने तेल और डाल दिया, सरसों का तेल गर्म करेंगे। साथ में जाएगा इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरा को हल्का सा तड़कने देंगे। साथ साथ इसमें जाएगी हरी मिर्च, 3 से 4 तोड़कर डाल देना है, और थोड़ा सा कसूरी मेथी लगभग 1 बड़ा चम्मच। इसे डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, बस फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज और 3 टमाटर का पेस्ट। इसे डालते साथ हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन, जिसको मैंने घिस लिया है, उसको डालकर अच्छी तरीके से चला देंगे। मसाले को हमें पकाना स्टार्ट करना है, अच्छी से भुनाई करनी है। तो पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे साथ साथ मसाले। थोड़ा सा पहले नमक डाल दिया है, साथ में इसमें बाकी के मसाले भी हम डाल देंगे। 2 मिनट हल्का सा पहले पकाएंगे हाई फ्लेम पर। जब 2 मिनट पक जाए अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग 1 से 1.5 छोटे चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 से 1.5 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और साथ में 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी डाल दूँगी और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सारे चीज़ों को हमें भुनाई करनी है जब तक कि मसाले में से तेल अलग ना होने लगे। ढाबा स्टाइल टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूंगी किचन किंग मसाला। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप इसको ज़रूर डालें, और ये होममेड है, इसको मैंने घर पर बनाया है। रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है, ऊपर आई बटन पर आप चेक कर लें, मैं डाल दूंगी। इसमें से मैंने 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाल दिया है। ऑयल सेपरेट यानी कि तेल अलग होने तक सारे चीज़ों को भूनेंगे। यहाँ पर लगभग 5 मिनट होते होते इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है, तेल निकल गया है, मसाला भून चुका है। अब इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच दही। दही डालने से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, हल्का सा खट्टापन पे आता है, और ग्रेवी में ना एक बहुत ही रिच लुक आता है, रिच फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो यहाँ पे दही को लो फ्लेम पर ही डालें, लो फ्लेम कर ले, उसके बाद दही डाल के तुरंत मिक्स करना है, और साथ में थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर दूँगी। तो पहले थोड़ा सा भून लिया है, अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, लगभग 1/2 ग्लास। पानी डालने के बाद मसाले को अच्छी तरीके से मिला देंगे। आज की रेसिपी में मैं इसको तरी वाली नहीं बना रही हूँ, हल्की सी लटपट रहेगी, सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, इसलिए पानी मैंने कम डाला है। तो पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू और गोभी डाल देंगे। आलू गोभी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें मिला देना है हल्के हाथों से, क्योंकि गोभी को हमने बढ़िया से फ्राई किया, आलू गोभी को ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे ना तो आलू गोभी अभी से ही टूटने लगेगी, इसलिए नीचे से
चलाना है हमें, कढ़ाई से लगाते हुए नीचे तले में से लगाते हुए इस तरीके से चलाए। गोभी आलू को टच नहीं करना है ज़्यादा, बस नीचे से इस तरीके से चलाते जाना है। मसालों में मिक्स कर लेना है अच्छे से। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा सा पकाएंगे हम इसको अभी। ज़रा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और नमक अभी मैंने इसमें डाला नहीं है, बस मसाले भूनते समय मैंने नमक डाला था, तो नमक हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। सब्ज़ी को हल्के हाथों से चलाएंगे, ढक्कन लगा के लगभग 2 मिनट हम इसको पकने देंगे। जब ग्रेवी हल्की सी उबल जाए उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी उबल गई है, बस थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से एक बार चलाएंगे और उसके बाद ढककर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि सब्ज़ी हमारी पूरी तरीके से पक ना जाए। गोभी का भरता नहीं बनाना है इसलिए हल्की सी कसर इसमें बाकी होनी चाहिए, बस इतना ही हम इसको पकाएंगे। लगभग 5 से 7 मिनट ढककर मैंने इसको पका लिया है, एक बार खोल के देख लेंगे। कई बार ना हम एक जैसी सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अलग चाहिए होता है घर में भी सबको, तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाली बनती है। यहाँ पे हम लास्ट में डाल देंगे हमारे रोस्टेड वेजिटेबल्स प्याज टमाटर और शिमला मिर्च, लास्ट में ही डालना है। और ये जो अंगार वाला फ्लेवर है ना ये सारे वेजिटेबल्स में, इसके वजह से हमारी सब्ज़ी का टेस्ट है ना एक बहुत ही डिफरेंस आता है, ढाबा स्टाइल भी लगेगा और बहुत ही मज़ेदार चटपटा बन के तैयार होता है। में थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया मैंने डाल दिया है, हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आलू गोभी भी हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं और ये रोस्टेड वेजिटेबल्स भी हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, तो बस डालना है, हल्का सा चला देना है। इस सब्ज़ी में ना ही हम कोई गरम मसाला डालेंगे और ना ही हम इसमें कोई एक्स्ट्रा तड़का लगाएंगे। ये सब्ज़ी है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, सिंपल है, बहुत ही आसान है बनाना और टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार बन के तैयार होती है, बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, इसको गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। पूरी पराठा, रोटी, नान सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जाता है, चाहे तो आप इसको प्लेन दाल राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मसालेदार, चटपटी और बहुत ही जायके से भरी बनती है ये सब्ज़ी और बहुत ही बढ़िया बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।